What's up, everybody? Welcome back to Exotic Astrology again, and today I will discuss this Bhagavad Gita video in Hindi. I don't know how to speak very good Hindi or very great Hindi, but I will try my best. आज हम गीता के पहले अध्याय से ये चर्चा करेंगे कि दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल क्या थी. दुर्योधन ने अनेक भूल किए. इंग्लिश में हम जिसे ब्लंडर कहते हैं, मतलब भूल से भी बड़ा भूल जिसको कहते हैं हम, अपराध, अक्षम्य अपराध, जिसे कभी हम लौटा नहीं सकते. कहते हैं कि तर्कश से जब बाण छूट जाए तो उसे लौटाया नहीं जा सकता, और मुंह से जब वाक्य निकल जाए तो उसे भी लौटाया नहीं जा सकता है. तो उसी प्रकार जब हमसे भूल हो जाए उसे भी लौटाया नहीं जा सकता. हाँ, उसे हम सुधारने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं, लेकिन हम उसे नकार नहीं सकते. हमें उस भूल को स्वीकारना पड़ता है. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एंड पे थम्स अप बटन पे क्लिक कीजिए. और अगर आपको कुछ डोनेशन करना है इस चैनल को चलाने के लिए तो आप पेपैल के लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ डोनेशन कर सकते हैं. और देखते रहिए ये वीडियो एंड तक. तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि दुर्योधन के जितने दुर्योधन ने जितने पाप किए अपने जीवन में, उससे उन पापों में सबसे अधिक, सबसे भयानक कौन सा था. दुर्योधन ने अनेक पाप किए. सबसे पहले हम उनकी चर्चा करेंगे. सर्वप्रथम उसने पांडवों को वारणव्रत में, लाक्षाग्रह में जलाने का प्रयत्न किया माता कुंती के साथ. उसके उपरांत उसने, और उसके पहले भी उसने भीम को जहर पिला के, जब भीम छोटे थे, कुंती पुत्र भीम जब वो छोटे थे तब उनको भी जहर पिला के मारने का प्रयत्न किया था. लेकिन भगवान कृष्ण की दया से, क्योंकि कृष्ण भगवान की कृपा सदैव अपने भक्तों पे बनी रहती, तो इस कारणवश कुंती पुत्र भीम, जैसे हमने एक पहले वीडियो में चर्चा की है, उस वीडियो का नाम है भीमास ग्लोरीज, कृपया आप जाके वो वीडियो देखें इंग्लिश में. तो उस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे भीम नागलोक की ओर गए नीचे, और फिर वहाँ से जाके अत्यंत अत्यधिक शक्तिशाली होकर लौटे. तो भगवान के भक्तों पे जब भी समस्या आता है तो जब वो समस्या से उभर के आते हैं तब वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली और सशक्त होकर निकलते हैं. उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता. तो वो पहला पाप था जो दुर्योधन ने किया था, लेकिन उस पाप की चर्चा नहीं की गई, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अभी स्थिति अनुकूल नहीं है, क्योंकि वे तब बच्चे थे पांडव, और वे अपने पिता के निधन के उपरांत हस्तिनापुर आए थे बसने के लिए अपने कजिन्स के साथ. कजिन को क्या बोलते हिंदी में? भाइयों के साथ. तो उसके बाद दुर्योधन ने फिर लाक्षाग्रह में उनको जलाने का प्रयत्न किया पुरोचन के साथ, षड्यंत्र रचकर शकुनी के आदेश पर पांचों पांडवों और माता कुंती सहित उनको जलाने का प्रयत्न किया. वो भयानक षड्यंत्र रचा वारणव्रत में, छः के छः लोगों को पूरा जला देने का, और ये दिखाने का कि वो एक आकस्मिक दुर्घटना थी, दैट वॉज अ नेचुरल डिजास्टर जिसको हम बोलते हैं, वो दिखाने का प्रयत्न किया वो. लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि महात्मा विदुर, महामंत्री विदुर की कृपा से और उनकी नीति के आधार पर, क्योंकि उन्होंने एक अपने असिस्टेंट को भेजा था, और असिस्टेंट को एक वो दिया, क्या बोलते हैं उसको, चूहा,
चूहा दे के भेजा था। तो वो चूहा जब युधिष्ठिर महाराज के पास गया तो युधिष्ठिर महाराज और देवी कुंती और सभी पांडव चौंक गए कि ये विदुर जी ने ये चूहा क्यों भेजा है। सो वो जो असिस्टेंट था, वो जो विदुर जी का जो नौकर था, वो नौकर बोला कि महात्मा विदुर ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि कैसा संदेश, कृपया संदेश सुनाइए। तो वो जो नौकर है विदुर जी का, वो बोलने लगा कि महात्मा विदुर ने कहा कि जब आग लगता है वन में, जब पर्वत में आग लगे या जहाँ पे भी आग लगे, तो एक ही जानवर है जो सुरक्षित रहता है, और वो कौन है? वो है चूहा। क्यों? क्योंकि वो अपने दांत से रास्ता खोद के बाहर निकल जाता है। ही डिग्स अ टनल फ्रॉम हिज शार्प टीथ एंड ही एस्केप्स द माउंटेन। और ये जो है एक ग्राम्य भाषा में बुलवाया था, लोकल डायलेक्ट जिसे बोलते हैं हम लोग, उस जगह की जो भाषा है उसके अनुकूल ये बात बोली गई थी। तो जो बाकी भाई है, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एवं देवी कुंती, ये पांचों उसका अर्थ, उसका तात्पर्य न समझ पाए, परंतु युधिष्ठिर महाराज समझ गए इस का क्या तात्पर्य है या इसका क्या तात्पर्य हो सकता है। तो उसके यथारूप युधिष्ठिर महाराज ने ये निर्णय किया कि हे माता श्री, हे कुंती माता, महात्मा विदुर हमारे चाचा है, चाचा जी का ये संदेश है कि ये लोग तुम्हें जला डालने वाले हैं वारणाव्रत में, और अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो उस चूहे की भांति आग लगने से पहले ही टनल खोद के निकल जाओ। टनल को पता नहीं क्या बोलते हिंदी में। तो सुरंग जिसको बोलते हैं ना, टनल को सुरंग बोलते हैं, तो सुरंग खोद के निकल जाओ। तो वो जो नौकर आया था विदुर जी का, उसको युधिष्ठिर महाराज ने बोला हम समझ गए वो क्या कहना चाहते हैं, और हमें ये भी पता है आप किस लिए यहाँ आए हैं, तो कृपया आप अपना कार्य प्रारंभ करें। तो उसके उपरांत वो लोग वहाँ से निकल भागने में सक्षम हुए किसी प्रकार, और फिर एक बार दुर्योधन और शकुनी और दुशासन की चाल नाकामयाब। क्योंकि एक कहावत है हिंदी में कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। द सेवियर इज ग्रेटर देन द इन्फ्लिक्टर कहते हैं ना। तो ये दूसरा पाप था दुर्योधन का। फिर ऐसा अनेकों पाप किए उसने। फिर सबसे भयानक पाप कब किया? जब वो स्वयंवर हुआ था, जहाँ पे उसने पांडवों को आमंत्रण भेजा था कि आप लोग आइए और हमारे साथ द्यूत क्रीड़ा खेलिए, गैम्बलिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में। और क्षत्रियों का ये नीति है कि वो दो चीज़ों को नहीं टाल सकते। एक है दो चीज़ों के आमंत्रण को नहीं टाल सकते, एक है युद्ध, दूसरा है द्यूत। तो क्षत्रियों का ये परंपरा है कि जब भी उन्हें कोई द्यूत या युद्ध के लिए आमंत्रण देगा वो उसे नास्वीकार नहीं कर सकते। तो उसके कारण युधिष्ठिर महाराज ने वो चुनौती स्वीकार किया, और उसके बाद शकुनी के द्वारा पासों में जब वो पासे फेंक रहे थे दुर्योधन, तो दुर्योधन ने कहा कि शकुनी मामा मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे, ऑन माय बिहाफ शकुनी विल थ्रो द डाइस। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला ये कैसा खेल है, ये कैसा नियम है, क्योंकि खेल का नियम ये है कि जो खेलता है वो पासे फेंकता है। तो दुर्योधन ने बड़ी चालाकी से कहा कि बड़े भैया, अगर आपको डर लग रहा है तो मत खेलिए, वापस चले जाइए। देखिए ये उसकी कूटनीति का प्रभाव है। ये दुर्योधन भलीभांति जानता था कि जब भी वो युधिष्ठिर जैसे क्षत्रिय को बोलेगा कि आप डर गए,
युधिष्ठिर सब नीचे रख देगा और वो खेल शुरू कर देगा। और वही हुआ तो युधिष्ठिर ने बोला, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि नहीं, हम नहीं डर रहे, हम तो बस नियम का बात कर रहे हैं। और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज बोले कोई समस्या नहीं, खेल शुरू किया जाए। उसके उपरांत खेल शुरू हो गया और फिर शकुनी के जो पासे थे उसमें जादू टोना मंत्र वगैरह था, जिससे जिसके बलबूते पे जो भी वो चाहते, जो भी अंक वो चाहते उस चौसर की खेल में वही आते थे बार बार। तो बार बार वो लोग हारने लगे, पहले सोना चांदी, फिर रथ, फिर हाथी, फिर सारी सेना, फिर पूरा इंद्रप्रस्थ हार गए। उसके उपरांत युधिष्ठिर महाराज एक एक करके अपने भाइयों को भी दाव पे लगाने लगे। सबसे पहले उन्होंने सहदेव को दाव पे लगाया, फिर नकुल को, फिर अर्जुन को दाव पे लगाया, फिर भीम को, और फिर स्वयं अपने आप को दाव पे लगा दिया। और उसके उपरांत जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अब तो खेल समाप्त करना पड़ेगा, सब लुट गया है मेरे से, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, तो हमारे दुर्योधन के परम प्रिय मित्र अंगराज कर्ण ने कहा कि कैसे नहीं है महाराज, आपके पास आपकी बीवी द्रौपदी है, आपकी पत्नी। और जब कर्ण ने ये बात कही तो पूरी सभा में कोलाहल मच गया, ओ एक स्त्री को कैसे आप दाव पे लगा सकते हो, ये वो और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया। खैर उस विषय पे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे कि वो उचित था या नहीं, कैसे क्या, उसका क्या विषय है, उससे हमें उपदेश क्या लेना है। तो उसके उपरांत क्या हुआ, वो द्रौपदी को भी हार गए। और उसके बाद दुर्योधन ने ये आदेश दिया द्रौपदी को कि तुम्हें आदेश दिया गया है क्योंकि तुम अभी मेरी दासी हो। दासी मतलब जिसका कोई स्वतंत्रता नहीं है, जिसका कोई स्वाभिमान ना हो, जिसका जिसकी कोई जिसका कोई जिसके अपने व्यक्तित्व का कोई मूल ना बचा हुआ हो, तो उसे दासी कहते हैं। तो दासी द्रौपदी को ले आओ राजसभा में और फिर उसने दुशासन को ये आदेश दिया कि द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। और बहुत ही बुरा समय था वो, द्रौपदी ने बहुत कोशिश किया, सबको पूछ रही थी, वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सबसे पूछ रही थी कि कहाँ गया आप सबका धर्म क्यों आप लोग ऐसे पाप को देख के चुप रह गए, कैसे आप लोग मौन रह गए। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई नहीं रहा उसे बचाने। और फिर दुशासन उसकी अपने बड़े भाई के आदेश के अनुसार द्रौपदी का चीरहरण प्रारंभ कर दिया उसने। और तब द्रौपदी को ये ज्ञात हुआ कि कोई नहीं है मुझे बचाने वाला। वो पांच पति जो शूरवीरों में शूरवीर, महारथियों के भी महारथी, और अर्जुन भी जिनमें से एक है, जो मुझे जीत के लाए थे, वो भी नहीं बचा पाएंगे मुझे। कुंती पुत्र भी 10,000 हाथियों का जिसमें बल है, वो भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। युधिष्ठिर महाराज का धर्म भी मुझे नहीं बचा पाया भीष्म पितामह का जो व्यक्तित्व है वो भी कम पड़ गया, द्रोणाचार्य का ज्ञान भी आज मुझे नहीं बचा पाया, और महाराज धृतराष्ट्र का शासन भी आज सक्षम नहीं हुआ मुझे बचाने। और कुछ देर तक वो प्रयत्न करती है, जब दुशासन उसके वस्त्र को खींचता है तो वो पूरी जी जान से प्रयत्न करती है कि किसी प्रकार वो अपने आप को बचा पाए इस अश्लील घटना को घटने से। लेकिन दुशासन आखिर दुशासन है क्योंकि औरत जितना भी शक्तिशाली हो जाए, वो जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक मर्द से वो नहीं लड़ सकती, एक
मैन से, एक मर्द से वो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकती फिजिकल सेंस पे, तो उसके वजह से उसको ये ज्ञात हो गया थोड़ी देर बाद कि मैं जितना भी कोशिश करूँ मैं अपने आप को नहीं बचा सकती, ये हो नहीं सकता, तो अब किसके पास जाऊँ मैं। तो तब उसे याद आया कि एक ही इंसान बचे हैं जो शायद मुझे बचा पाए, और वो कौन है? वो उनके परम सखा भगवान कृष्ण स्वयं। तो उसके बाद द्रौपदी कृष्ण भगवान को पुकारने लगी कि गोविंद दामोदर माधवेति, हे भगवान मुझे बचाओ। हमारी लाज की रक्षा करो, आज कोई नहीं है, अगर आप भी नहीं बचाते हो तो आज क्या होगा मेरी लाज का। तो उसके बाद कृष्ण भगवान प्रकट हुए सारी के रूप में और द्रौपदी को इतना सारी दिया कि दुशासन भी सोचने लगा आज की तारीख क्या है। आज ग्रह नक्षत्र कहाँ है, थोड़ा हमें भी प्रश्न कुंडली देख के आना चाहिए था, ये हो क्या रहा है, हम खींचे जा रहे हैं और साड़ी है कि खींचती जा रही, साड़ी लंबी होती जा रही, जितना हम खींचते जा रहे साड़ी उतनी लंबी होती जा रही। तो दुशासन भी अचंभित हो गया, ये हो क्या रहा है, सभी सभाजन सोचने लगे वाह क्या दृश्य है ये। तो इसी प्रकार द्रौपदी की लाज भी बच गई, लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन शांत नहीं हुआ, उसने फिर से चौसर का खेल बुलवाया अपने पिता को ये बोल के कि अगर आपने सारा संपत्ति लौटा दिया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो फिर से महाराज धृतराष्ट्र ने ये आदेश दिया कि फिर से बुलाओ उनको, फिर से चौसर खिलाओ। उसके बाद फिर से पांडव सब कुछ हार गए और फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो एक पे एक दुर्योधन के पाप, और उसके बाद सबसे बड़ी भूल उसकी क्या थी कि जब अर्जुन और वो दुर्योधन गया द्वारिका, दोनों द्वारिका गए और सहायता मांगने के लिए कृष्ण भगवान से, तो ये मूर्ख दुर्योधन वो कृष्ण भगवान की जगह उनके नारायणी सेना को मांग बैठा। मुझे ये प्रसंग के दौरान रामधारी सिंकर की वो कविता याद आती है, कृष्ण की चेतावनी, हम सब ने बचपन में अवश्य ही इसका पाठ किया होगा, मैंने तो किया था, मुझे विस्तार से याद है वो। तो उसमें वो रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रसंग आता है जिसमें कहते हैं वो दुर्भाग्य ना किसी दिन सोता है। शायद आप लोगों को भी अपने बचपन के दिन याद आ रहे होंगे जब आपने इस कविता का पठन किया होगा। तो उसमें जो ये पार्ट आता है दुर्भाग्य ना किसी दिन सोता है, तो वो मुझे बहुत याद आता है कि दुर्भाग्य जब वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब काल आपके सिर पे मंडरा रहा हो तब आप गलत डिसीजन लेंगे, आप अपने निर्णयों को लेने में भूल करेंगे। और उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जब सारे शांति के मार्ग विफल हो गए, पीस नेगोशिएशंस जिसे कहते हैं हम, फेल हो गए, तो भगवान कृष्ण ने ये सोचा कि मैं एक अंतिम प्रयास करूंगा युद्ध को रोकने के लिए, अंतिम प्रयास, तो इसी कारणवश मैं स्वयं शांति दूत बन के जाऊंगा दुर्योधन को समझाने। लेकिन वो भी विफल हो गया, दुर्योधन बोला कि मैं पांडवों को इतनी भी भूमि नहीं दूंगा जो सुई के नोक पे आ सके, बताइए अभी। तो कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को 3 चॉइसेस दिए थे, बोले इन तीनों में से तुम कोई भी विकल्प चुन लो। पहला विकल्प था जो आइडियली उसको चुनना चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा कि यदि तुम सोचते हो कि कि पांडव तुमसे बड़े हैं, बड़े मतलब आयु में नहीं, अनुभव, आध्यात्मता, पॉपुलैरिटी,
इन सब में अगर तुम्हें लगता है कि पांडव तुमसे अधिक है, जो कि बिना संशय के थे, कहाँ वो और कहाँ पांडव कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों में, कंपैरिजन को क्या बोलते हैं, कोई समानता नहीं है दोनों में, आप समानता ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट में वो पांडव उनको कोसों पीछे छोड़ आए थे एवरी एरिया में उनको पांडवों ने ये दिखा दिया कि कहाँ आप और कहाँ हम असल में कहे तो पांडवों ने कुछ नहीं दिखाया ना, उन्होंने ही खुद दिखाया ना वो किस लेवल पे है। धर्म के मामले में युधिष्ठिर महाराज से तो उनका तुलना हो ही नहीं सकता है, इनफैक्ट ऑपोजिट है दोनों ना, दोनों उल्टे हैं और धनुर्विद्या में भी अर्जुन की तुलना नहीं की जा सकती है दुर्योधन से, और गदा युद्ध में भी भीम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। हाँ, दुर्योधन भी स्किलफुल थे, ही वॉज वेरी स्किलफुल। तो पांडवों से तो उनकी तुलना हो ही नहीं सकती है किसी भी हाल में। तो असल में ये प्रस्ताव उचित था। तो कृष्ण भगवान ने कहा, यदि आप सोचते हो कि पांडव आपके आपसे अधिक है, आपसे ऊपर है, जो कि थे सत्य में, तो उनको पूरा राज इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर सहित पूरा राज सौंप दो। दूसरा, यदि तुम सोचते हो कि तुम दोनों बराबर के हो, तुम और युधिष्ठिर, जो कि कभी हो नहीं सकते, बट अगर तुम सोचते हो तो तुम हस्तिनापुर रखो और उन्हें इंद्रप्रस्थ लौटा दो, आधा तुम्हारा आधा उनका। और अगर तुम सोचते हो कि वो कि पांडव तुमसे तुच्छ है, तुम उनसे अधिक श्रेष्ठ हो, तो तुम उन्हें 5 गांव दे दो 5 भाई 5 गांव लेके संतुष्ट रहेंगे। और दुर्योधन ने कहा, 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं उनको उतना भी भूमि नहीं दूंगा जो एक सुई के नोक पे आ सके। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तब कुछ नहीं हो सकता है, युद्ध होगा और तुम और तुम्हारे सभी भाई कुरुवंश सहित विध्वंस में अपना आहुति देंगे और जैसे ही कृष्ण भगवान ने कहा, तो दुर्योधन और शकुनी और दुशासन ने पहले ही ये षड्यंत्र रचा था कि कृष्ण भगवान जब आएंगे तो उन्हें बंदी बनाने का हम प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न क्या, हम बना लेंगे बंदी। कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास था उन्हें कि भगवान को भी बंदी बना सकते। और फिर एक बार मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता याद आ रही है, कृष्ण भगवान कहते हैं जिसमें ना, जंजीर बढ़ा तो लाया है, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। और उसी में ही आता है, दुर्भाग्य ना किसी दिन सोता है। उसके बाद हरि ने स्वरूप विस्तार किया, नहीं, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। थोड़ी थोड़ी याद है मुझे कविता और उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप विस्तार किया और दुर्योधन को ये ज्ञात हुआ कि वो कोई सामान्य पुरुष या मनुष्य नहीं है, वो सभी भूतों के स्वामी अपराजय भगवान विष्णु स्वयं है। उन्हें कोई बांध नहीं सकता है क्योंकि वो सबको बांधते हैं। और उसके उपरांत सात्यकी और कृतवर्मा सहित कृष्ण भगवान द्वारिका लौट गए। तो ये एक बहुत बड़ी भूल थी जो इसने की। और उसके उपरांत दुर्योधन ने एक और बहुत बड़ा पाप किया। जब कुरुक्षेत्र का रण शुरू हो गया था तो उसने अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, उसको घेर के 7 महारथियों ने मिल के उसकी निर्दयता से निर्मम हत्या कर दी, क्योंकि अभिमन्यु के कारण से ही उस दिन युधिष्ठिर महाराज को वो लोग बंदी नहीं बना पाए थे।
यदि अभिमन्यु ना होता रण में उस दिन, तो युधिष्ठिर महाराज बंदी बनाए जा चुके होते, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को बंदी बनाने से एक ही महारथी रोक रहा था और वो था अर्जुन। तो दुर्योधन ने ये रणनीति बनाई कि सुशर्मा को हम बोलेंगे। सुशर्मा एक दूसरे राजा थे जो कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे पांडवों के विरुद्ध, तो हम सुशर्मा को जाके बोलेंगे कि तुम जाके अर्जुन को ललकारो और उसको जाके बोलो कि हे अर्जुन, यदि तुम मुझसे युद्ध करने के सक्षम हो तो चलो कुरुक्षेत्र से दूर कहीं, यहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस है बार बार कोई आ जाता है युद्ध हमारे बीच में, तो एक ऐसी जगह चलो जहाँ पे कोई नहीं होगा, बस तुम और मैं होंगे, तो वहाँ जाके हम दोनों युद्ध करेंगे। और फिर वही हुआ, अर्जुन एक क्षत्रिय है और अर्जुन उसे नकार नहीं पाए और उसके उपरांत वो जाए जा चले कुरुक्षेत्र के दूसरी ओर चरम छोर में, और कुरुक्षेत्र की चरम सीमा पहुँच के वो युद्ध करने लगे सुशर्मा से। और युद्ध करते 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 वो इतना दूर चले गए कुरुक्षेत्र के एकदम अंतिम छोर में कि उनको को कुछ भनक भी नहीं था कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और करते करते वो सुशर्मा का वध कर दिए। और इसी बीच कुरुक्षेत्र के बीच में गुरु द्रोणाचार्य ने शंखनाद द्वारा ये सूचित किया कि अभी चक्रव्यूह की रचना होने वाली है, और चक्रव्यूह का तोड़ केवल तीन ही लोग जानते थे पूरे रणभूमि में। एक थे, मेरा मतलब है पांडवों के साइड पे, एक थे कुंतीपुत्र अर्जुन, दूसरे भगवान कृष्ण स्वयं, और तीसरे थे अभिमन्यु। तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना आता था, बट लेकिन उससे वापस नहीं आना नहीं आता था अभिमन्यु को, क्योंकि जब उनकी माता सुभद्रा गर्भवती थी अभिमन्यु के साथ, तो एक दिन अर्जुन सुभद्रा को ये समझा रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ते हैं, तब अभिमन्यु पेट से ही वो सुन के सीख गया। लेकिन जब अर्जुन ये बता रहे थे कि इसको तोड़ के इससे बाहर कैसे आया जाए, तब देवी सुभद्रा को निद्रा देवी ने आलिंगन दे दी तो निद्रा देवी के आलिंगन से सुभद्रा सो गई, और उसके फलस्वरूप अभिमन्यु भी नहीं सुन पाया कि कैसे चक्रव्यूह तोड़ के उससे बाहर आया जाए, अपनी सुरक्षा की जाए। तो जब शंखनाद हुआ तो युधिष्ठिर महाराज असमंजस में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ये चक्रव्यूह जो है ये एक स्पाइरल जैसा है, डाउनवर्ड रिवर्स स्पाइरल, ये ऐसे घूमता है, एक ऐसे घूमता है, एक ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है और बढ़ता जाता है ऐसे 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 ऐसे, वो निगल लेता है सारी सेना को। अगर आपकी सेना को उसका तोड़ नहीं पता है तो चक्रव्यूह आपकी पूरी शत्रु सेना को निगल जाता है, कोई भी नहीं बच सकता, और चक्रव्यूह के मध्य में सभी महारथी रहते हैं। तो वो सब लोग जाने का प्रयत्न किए अभिमन्यु के पीछे पीछे, लेकिन अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया और उसके पीछे वो अंदर प्रवेश कर गए, परंतु सिंधु नरेश जयद्रथ आके उनको रोक दिए, पांडवों को अंदर नहीं जाने दिए, और उसके उपरांत सातों महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की निर्दयता से निर्मम हत्या कर दी। और उसके उपरांत अर्जुन आए और उन्होंने जयद्रथ का वध करने का प्रतिज्ञा लिया। तो दुर्योधन के अनेक भूल थे, उसके अनेक पाप, और सब उसी के निर्देश पे हुए। और जब हम गीता के पहले अध्याय में चर्चा करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि दुर्योधन अपने और अपने शत्रु पक्ष की जो सेना दोनों का जब निरीक्षण करता है असेसमेंट के दौरान, वो ये बताता है कि उस पक्ष में कौन है और हमारे पक्ष में कौन है। जैसा अगर आपने मेरे पहले वीडियोस को सुना होगा तो आपको पता चलेगा कि दुर्योधन बता रहा है कि कौन कौन है पांडवों की सेना में। बट आश्चर्य की बात यह है कि वो कृष्ण भगवान का नाम नहीं लेते मतलब
वो कृष्ण भगवान को कंसिडर ही नहीं करते कि ये कुछ करेंगे। वो कृष्ण भगवान को सोचते हैं कि ये तो ऐसे भी निहत्था है, ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन वही तो ना, उसका सबसे बड़ा क्या बोलते उसको, ब्लंडर। वो उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि वो भगवान कृष्ण को ही नज़रअंदाज कर दिए, क्योंकि वो सबके बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि द्रुपद है, भीमा है, युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, अर्जुन है, परंतु वो ये नहीं बताते कि कृष्ण भगवान भी है। तो इसका ये अर्थ है कि वो हमेशा ये सोचते थे कि कृष्ण भगवान कुछ नहीं कर सकते, वो निसहाय है। तो उनके बारे में बोल के क्या मिलने वाला है, ऐसे भी उनका होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो निशस्त्र है। क्योंकि दुर्योधन जो थे एज अ इंसान, एक इंसान के तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा भौतिक स्तर पे थे, उनके पास आध्यात्म चिंतन, आध्यात्म के तरफ उनका कोई रुझान नहीं था। तो इसी कारण, इसी के वशीभूत वो सभी चीज़ों को एक भौतिक स्तर पे नाप तोल करके देखते थे। तो भौतिक स्तर पे जब आप देखें, तो यदि किसी योद्धा के पास शस्त्र नहीं है तो वो ना होने के बराबर है, वो सत्य है, वो उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु जब आप आध्यात्म के स्तर पर देखें तो आप ये भी जानेंगे कि कृष्ण भगवान भगवान है, और उनके पास शस्त्र हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विजयी वही होगी जहाँ पे वो रहेंगे। और वही संजय कहते हैं गीता के आखिरी श्लोक में, इन द लास्ट श्लोक ऑफ द भगवद गीता, अंतिम श्लोक में वो कहते हैं, तत्र श्री विजय ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। जहाँ पे भी कृष्ण और अर्जुन है वहाँ पे ही विजय है। तत्र श्री विजय ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। और वही हुआ अंत में, दुर्योधन के सभी षड्यंत्र विफल हुए और आखिरकार पांडवों को विजय हासिल हो गई। तो यही था मुझे कहना, दुर्योधन के सबसे बड़े भूल क्या क्या थे, पता नहीं ब्लंडर को क्या बोलते हिंदी में। मैं तब से सोच रहा हूँ लेकिन वो टर्मिनोलॉजी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, अब पता नहीं क्या है। तो यही था मेरे साइड से। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे हिंदी में जो भी कमी है, जो भी त्रुटि है, उसको कृपया आप लोग क्षमा कर दीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो कृपया कमेंट्स पे लिखिए, मैं प्रयत्न करूँगा कि आपकी इच्छा पूरी हो। और अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, तो भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पे। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, नमस्कार।